मुस्तफा, सुबह सुबह उठ के किसने प्लेट तोड़ी है बेटे? किसने ए, प्लेट तोड़ी है? ए, नहीं, आप मुझे बताएं किसने प्लेट तोड़ी है? हाँ, सुबह सुबह उठ के कौन तबाही मचाता है? आप मचाते हैं? आप मचाते हैं तबाही? मचाते हैं? डॉगी को बुलाऊं? कैटी को बुलाऊं? कुछ समझ नहीं आता आपको? अपने मतलब की तो बातें समझ आती हैं। मैं बाबा उठेंगे, बाबा को बताऊंगी कि आप, हाँ मैं बताऊंगी बाबा को कि आप सुबह सुबह प्लेटें तोड़ते हैं। बाजी को बताएंगे आप? अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? अभी थोड़ी देर पहले मैंने वीडियो बनाई थी अपने नाश्ते की और वो डिलीट हो गई। मैं बड़ी सैड हो गई क्योंकि उसमें मेरी दोस्त ने चटनी भेजी थी मुझे, वाह चटनी भेजी थी मुझे लहसुन और हरी मिर्चों की। तो पूरी रात मैं सोचती रही कि सुबह मैं वो अंडे और पराठे के साथ खाऊंगी और वो मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगी, और उसकी मैंने वीडियो बनाई थी, वो हो गई डिलीट। बहरहाल गुड मॉर्निंग, अब मैं चाय पी रही हूँ, आज का दिन शुरू हो गया है, बच्चे स्कूल गए हैं, घर की सफाई हो रही है, राबिया वापस आ गई है आज इस वीडियो में, आगे मैं आप लोगों को राबिया से भी मिलवाऊंगी। चले दिन शुरू करते हैं। बच्चे स्कूल से आ गए हैं, मम्मा नहा ली हैं और अब मम्मा लगा रही हैं तेल ज़ारा को, क्योंकि ज़ारा अपने बाल लंबे करना चाहती है ना ज़ारा? मम्मा के हाथ से मजा आता है। एक घंटे बाद नहाना, ठीक है? अली डोंट मूव द कैमरा बेटे, अली प्लीज नहीं कर रहा, जरा नीचे देखें। और आप लोग देख सकते हैं घर में कितना सुकून है, बच्चे सो रहे हैं, स्कूल से आके मम्मी को डांट के सुला दिया था, दोनों बच्चे सुकून से सो रहे हैं। अली को मैं कंबल ओढ़ा देती हूँ। खाना बना लेती हूँ इतनी देर में। हाँ जी, क्योंकि आज मेरे पास वक्त है और मैं सुकून आराम में हूँ, राबिया घर पे आ चुकी है तो वो घर का काम सारा उसने कर लिया, आज मुझे नहीं करना पड़ा पिछले 4 दिनों की तरह। तो मैंने कहा बच्चों के लिए अच्छा खाना बना लेती हूँ, बिरयानी बच्चों को बहुत पसंद है तो बिरयानी बना रही हूँ आज मैं। और मेरी हर खाने की रेसिपी की तरह ये वाली रेसिपी भी हड़ा गुड़ी है, यानी कि हड़ा गुड़ी बिरयानी। सब कुछ जल्दी में करना पड़ता है क्योंकि ज़ाहिर है 3 बच्चे हैं, तो साथ में मैंने भी बहुत रखी है, थोड़ी बहुत तैयारी मैंने करके रखी हुई है। घी ऑलमोस्ट गर्म ही था यहाँ पे, मैंने मैं आपको दिखाती हूँ, 1 सेकेंड, अगर मैं कैमरे से आउट भी हूँ तो आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी। मेरे पास तकरीबन इतना गोश्त है और अच्छा जी, मैं जो हूँ वो क्या करती हूँ कि ग्राइंडर के अंदर प्याज टमाटर और लहसुन अदरक और दही को एक साथ ग्राइंड कर लेती हूँ जल्दी से, और फिर मैं वो सारा डालती हूँ तेल में। अब ये भुन जाएगा प्याज टमाटर और लहसुन अदरक और दही, ये सब कुछ जो है वो भुन जाएगा एक साथ। फिर इसके बाद मैं इसमें डालूंगी गोश्त और आलू और मसाला डालूंगी, वो भूनूंगी अच्छे तरीके से, जब तेल ऊपर आ जाएगा तो फिर उसको मैं ढक दूंगी। मैं शान का स्पेशल बॉम्बे बिरयानी मसाला इस्तेमाल करती हूँ, ऊपर से मैं कुटी हुई लाल मिर्च और पिसी हुई लाल मिर्च थोड़ी एक्स्ट्रा डाल लेती हूँ क्योंकि हम लोगों को मिर्चें ज़्यादा पसंद हैं, और इसके अलावा गरम मसाला भी ऊपर से एक्स्ट्रा डाल लेती हूँ। तो उसके बाद मैं फिर आपको बताऊँगी तह लगाना, तह कैसे लगाती हूँ मैं। बिरयानी बनाने का प्लान एकदम से सडनली बना था, तो कुछ इंग्रेडिएंट्स मेरे पास मौजूद नहीं थे, मगर मैंने अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश करी थी। बिरयानी में दम लगाने का टाइम आ गया है, तो बीच वाली जो तह थी उसमें मैंने हरी मिर्च, धनिया, पुदीना, लीमू, टमाटर सब कुछ बिछा दिया था। साथ ही साथ मैंने एक वीडियो में देखा था कि टेकी बिरयानी को दम किस तरह लगाया जाता है, तो वहाँ पे वो लोग बता रहे थे कि पाउडर फॉर्म में जो है वो जर्दे का रंग छिड़का जाता है
थोड़ा सा वो मैं छिड़क चुकी हूँ यहाँ पे, और कुछ जो है वो मैंने पानी में मिला के 5 होल्स करके यहाँ पे मैं डालूँगी जर्दे का रंग। और जर्दे का रंग डालते हैं जब हम इन होल्स में, तो साथ ही साथ अगर हम तेल भी डाल दें तो वो बिल्कुल देगी बिरयानी का दम हो जाता है। और दम जो है आप लोग कम से कम 20 मिनट लगाएं, मेक श्योर करें कि देची के अंदर टॉप तक धुआं पैदा हो जाए और ढक्कन जो है वो बिल्कुल तेज़ गर्म हो जाए। अगर आप लोगों की बिरयानी के दम में ढक्कन गर्म नहीं होता, यानी तप तप नहीं रहा होता इतना कि आप हाथ ना लगा सकें, तो फ़ायदा नहीं है, आपका दम जो है वो सही से नहीं लगा है। चलिए अली उठिए, नहीं नहीं करिए मेरा बेटा, उठ जाए मेरा प्यारा बेटा, नहीं है नहीं नहीं करे, मम्मा ने बिरयानी बनाई है, चले। ये है बिरयानी की शक्ल। और आधी खाने के बाद मुझे याद आया कि मुझे वीडियो भी बनानी थी, मगर बहुत मजे की थी। बच्चों को उठाया, बच्चों ने कुरान पढ़ा, होमवर्क करा और खाना खाया। सुहेल भी बिरयानी खा के बहुत खुश हुए, उनका भी मूड अच्छा हो गया ऑफिस से आके। आज का वीलॉग यहाँ पे एंड करती हूँ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग वीलॉग्स को इतनी अच्छी तरह अप्रिशिएट कर रहे हैं, मुझे मोटिवेट कर रहे हैं, मेरे लिए दुआ करें, मेरे बच्चों के लिए दुआ करें। मुझे आप लोगों से बहुत ज़्यादा प्यार है, वाकई वीलॉग जो बनाते हैं, मैं सोच रही थी कैसे बनाते हैं, वाकई आपको फिर आपको एक एक कमेंट करने वाले बंदे का नाम याद हो जाता है, अपने सब्सक्राइबर्स के नाम याद हो जाते हैं, आपको पता होता है कि कौन आपको कितने प्यारे प्यारे मैसेजेस कर रहा है और किस तरीके से सपोर्ट कर रहा है। कोई भी आइडियाज़ हैं वीलॉग्स को बेटर करने के लिए या कुछ भी आप लोग देखना चाहते हैं, मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं सारे कमेंट्स आप लोगों के पढ़ती हूँ। और आई लव यू ऑल, इंशाल्लाह कल फिर मिलते हैं, मेरे लिए ज़रूर दुआ करनी आप लोगों ने। अल्लाह हाफ़िज़।